अरे ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, छाला ही पड़ गया वो करते करते। मैंने हेल्प की थी उस दिन और आप देख सकते हैं इसने मुझे पहचान लिया है, देख सकते हैं एक एक बिस्किट इनके माथे पे रख दिया है और बिना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करते हो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज संडे और संडे में हम करने वाले हैं आज बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग व्लॉग, क्योंकि अक्सर अपने घर पर ही हैं और दीदी भी घर पर ही हैं, सब लोग आज घर पर हैं, तो सबके साथ छोटी छोटी क्लिप लेंगे और सबके साथ चैलेंज करेंगे। क्या करते हो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों रोज़ ब्लॉग नहीं आ पा रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि कॉलेज का काम बहुत ज़्यादा हो गया था अभी तक, जिसकी वजह से मैं नई वीडियो बना पा रहा था। पर आज कॉलेज का काम कल तक पूरा ख़त्म हो गया है, अब रोज़ का रोज़ ब्लॉग बनाएंगे। देख सकते हैं एक एक बिस्किट इनके माथे पर रख दिया है और बिना हाथ लगाए इन्हें अपने मुँह तक पहुँचाना है। देखते कौन पहुँच जाएगा, जिसका गिर गया वो गेम्स आउट हो जाएगा। चलो करो शुरू जल्दी धीरे धीरे, किसका गिरेगा कौन पहुँचाएगा। अवंती का गेम्स आउट होगी, लाओ इधर डाल दो बिस्किट, उठ के आ जा। दोस्तों अवंती का गेम्स आउट हो चुकी है, सीनू अपनी भी गेम से आउट हो गई है, अक्षय और सीनू बचाया, जबकि सीनू बहुत कोशिश करने पे लगा हुआ है। दोस्तों देख सकते हो सीनू कैसे मुझे चला के अक्षय तो अक्षय हाथ ही नहीं हिला, अक्षय आ गया, अक्षय अब अक्षय बचा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो सीनू जीत चुका है। दोस्तों अब भी एक टास्क हमारा हो गया, दूसरा टास्क कर है शुरू तैयारी हमारी। तो अभी भैया सब बनाइए, पहले थोड़ा सा काम है खेत में, सरसों है उसे बोया जाओ। लो दोस्तों बन गए ब्लॉग, अब मेरा इस वजह से मेरा डेली नहीं डल पा रहा, मतलब व्यूज इतने कम हो गए, बहुत ज्यादा मत तुम्हारे काम खत्म ना होते। अब एक ही काम हो पाएगा, या तो ब्लॉग बन जाएगा या फिर तुम्हारे घर के काम करवाओ मेरे से। दोनों भैया ले जाओ, पहले कॉलेज की वजह से नहीं हो पाया, अभी आप उनका सरसों भैया, सरसों भैया कोई बात ना बेटा, आग बना लिए, आग बना लिए, बहुत आते रहियो। तो दोस्तों लो बना लो ब्लॉग, कहाँ से बना लेंगे, अब इनका खेत का काम करो पहले, उसके बाद की आगे कर लियो, सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है दोस्तों, इस वजह से मेरा डेली ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों अभी खेत पे चलते हैं, फिर खेत के ही सीन दिखा देंगे आपको जो भी हम करेंगे वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे रास्ते में, ये आप देख सकते हैं ठंडी चमन्नी हमारे साथ है, उधर दीपक और पार्ले जी। अगर कोई पपी डॉग मिलेगा तो हम उसको ये खिलाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम खुद खा लेंगे, क्योंकि काम करते करते भूख लगती है। आप देख सकते हो वन है, कितना घना वन है, किसी दिन इसमें आके कैंपिंग करेंगे, कैंपिंग के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक त्रिपाल है, उसी का कैंपिंग बनाएंगे। दोस्तों ये हमारे यहाँ के पुराने दरगाह हैं, रास्ता आता है हमारे घर मतलब खेत के लिए, और जो दलदल है वो दोस्तों इस जो ये वाला पेड़ दिख रहा है ना आपको सामने, जस्ट इसके पीछे ही हुआ है दलदल। तो यहाँ पे रात विरात में तो आ ही नहीं सकता इंसान, वो लोग वहाँ पे देखो पानी पीने लग गए। दोस्तों मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, चलते चलते मुँह सूख जाता है, इतनी दूर खेत है, ऐसा लगता है जैसे क्या कितने लंबे टूर पे आ गए हैं। तो पानी यहाँ पे मैंने पी लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अदरक का पौधा भी बुआ हुआ है, ये वाला जो है ना अदरक का पौधा है, चाय की पत्ती का है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या हुआ, अरे ऐसे क्या हो गया यहाँ पे, ये तो आज आ जा जल्दी, ढोंग मत कर, ये मेरी डराने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, आ जा जल्दी। मुझे तो डर, मैं डर जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे ये सब बहुत खतरनाक लगता है। के तुम ये डराने की कोशिश कर रहा था ना, चक्कर ये सब ढोंग मत करना कभी, ऐसा किसी को किसी की इंद्रिया सतानी अच्छी बात नहीं होती है। जानबूझ के तो कराई था, ये ढोंग मत करेगा ठीक है, किसी दिन ना सचमुच में आ गया ना उस दिन पता चल जाएगी कि क्या होता है। चक्कर वक्कर से नहीं आया तूने, ढोंग बनाई मुझे पता तेरी, ये इतना ढोंगे इंसान है, इतना ढोंगे इंसान है, अच्छी खासी झूठी चीज को सच बनाने की आदत है इसकी, और सच जो सच बात होती है उसको झूठ बनाने की आदत है, समझ नहीं आता। ऐसे अक्सर आजकल दोस्तों ऐसे लोगों की बूझ भी है, अगर जो सच्चे लोग होते हैं ना उन्हें तो सच में पागल समझ लेते हैं वो कुछ लोग, लेकिन जो समझने वाले हैं वो हकीकत में समझ भी जाते हैं कि हाँ भाई जो सच बोल रहा है ईमानदार इंसान है। तो दीपक जैसे जो लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। खेत में आ गए, अब शुरू करते हैं अपना काम, हम घास खेत में देखिए जला देते हैं, खाद बन जाएगा। हाँ बस चलिए, तो एकदम फैल गई आग, हवा से तो चलो देख खुद ही लग जाएगी। चलो
बहुत ही ज़्यादा कड़ा काम है पानी भरने का, बीच बीच में नक्के लगा लगा के इतनी दूर से वहाँ से लेके वहाँ पे इंजन चल रहा है तो वहाँ से पानी आ गया है। देख सकते हैं छाला ही पड़ गया है वो करते करते फावड़ा चलाते चलाते, तो पूरा दिन छिप गया है। कब क्या हुआ यार, अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो मेरे चाचा ताऊ यहाँ पे काम कर रहा है और दिन पूरा छिप चुका है। कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है, तो अभी ये वाला कर लेते हैं उसके। दोस्तों फाइनली हमारा काम हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगानी करनी पड़ी इस काम में तब जाके हुआ। और सनसेट हो रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब चलते घर पे, भूख लगने लगी है, सुबह से इतना टाइम हो गया, आते आते कुछ खाया भी नहीं है। आपने देखा होगा उस दिन मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें कि मैंने जो ये कुतिया है तो इसकी मैंने हेल्प की थी उस दिन, और आप देख सकते हैं इसने मुझे पहचान लिया है और ये मेरे पीछे पीछे इतनी दूर से चलती हुई आ रही है। क्या चाहिए तेरे को, कुछ चाहिए? अब वो समझ नहीं आ रहा उसे कि मतलब उसे चाहिए क्या, पता नहीं। इसके जो वो है पपी हैं उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। अब देखो अभी मेरे पीछे पीछे आ रही है, जैसे मैं पीछे देखता हूँ एकदम रुक जाती है। देख आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखो एकदम किसी न किसी बहाने से रुक जाती है, जैसे मैं पीछे देखता हूँ तभी रुक जाती है। मुझे लगता है इसको भूख लग रही है, ऐसे ना बिस्किट खिलाना चाहिए। अभी मैं दुकान से लेता हूँ बिस्किट। वो चली गई, वो मेरे से ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाह रही थी पर मैं, देर भी हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। दोस्तों मैं दूसरे रास्ते से निकल आया था और ये देखो कौन से रास्ते से आप आ रहे हैं। मुझे तो ये था कि आप लोग निकल गए हो, साइकिल दो जगह साइकिल हमारी, बेचारे पीछे क्या बांध के लेकर आ रहे हैं पाइप लाइन दोस्तों जिससे पानी दिया था, ऐसे लग रहा है कबाड़ा बेच के आ रहे हो। खेत पर से आए हैं और आप देख सकते हो इधर खाना तैयार है। वैसे तो दोस्तों चटनी भी तैयार है, इधर सब्जी भी तैयार है और आप देख सकते हो मेरे पैर कितने गंदे हो रहे हैं। हाथ मैंने धो लिए और पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। उधर चंचल पटापट रोटियां सेक रही है, तो खा लेते हैं खाना और पानी की रोटियां सेक रही हैं। खैरी खैरी रोटियां खाएंगे, खैरी मतलब कैड़ी कैड़ी। अभी बस खाना खा लेते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है, काफ़ी टेस्टी खाना बना हुआ था आज का। और आप देख सकते हैं इधर खा रहे हैं अभी हम गुड़ और गोला। गुड़ और गोला दोस्तों इसलिए खा रहे क्योंकि पूरा दिन हो गया, आज काम करते करते सारी धूल अंदर गई थी ना, तो इससे गला अच्छा साफ हो जाएगा। और देख सकते हो इधर अम्मा और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। राम राम दोस्तों, हमें भी सपोर्ट क्या करो, आप लोग हमें भी सपोर्ट क्या करो, मेरे मामा को भी उठा लो धरती से उठा लो मामा। दोस्तों इधर अम्मा बैठी है, अम्मा खाना ना खा लिया? खाना खा लिया, गुड़ गोला खा लो भाई का बेटी बेटो। और इधर आप देख सकते हो दीपक बहुत ही ज्यादा सदमे में बैठा हुआ है। ये सदमे में क्या, राम राम की कोई रिप्लाई देता नहीं है। राम राम जी अब रिप्लाई दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तो तू ये आज के ब्लॉग में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है ठीक, तो यहाँ ब्लॉग करते हैं यहाँ पे लास्ट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।